करेंगे कि सिविल अस्पताल के बाहर इस वक्त काफी रश है, उम्मीदवार वहां पर पहुंचे हैं ताकि इंटरव्यू दे सके। 1 से 5 ग्रेड के जो मुलाजमतें हैं वो खाली हैं और यहां पर लोग इंटरव्यूज के लिए पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोगों की काफी बड़ी तादाद मौजूद है। वो अफराद जो अपने मरीजों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उनको भी दुश्वारी का सामना है, वो मरीज जो सिविल अस्पताल में एडमिट है उन्हें भी परेशानी का सामना है। सुबह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की असामियां खाली है। 300 असामियां है जिसके लिए इंटरव्यूज और फॉर्म दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। कराची ही नहीं, पूरे सिंध, अंदरून सिंध से भी लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। 300 असामियों के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से बदनस्बी यहाँ पर रोनुमा हुई। जब इतने सारे लोग पहुंचे हैं उसके बाद धक्कमपेल हुई, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। वक्फे से यहाँ पर लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि लोगों की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना यह था कि वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका फॉर्म जो है वो जमा नहीं हुआ। इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर वक्फे से लाठीचार्ज भी होती है और बदनज़मी भी होती है। तहम इस वक्त भी काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और आज आखिरी दिन है फॉर्म जमा कराने का, और 300 असामियां हैं जिसके लिए हजारों की तादाद में लोग सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। सही आसिफ, आप हमें बता रहे हैं कि सिर्फ 300 असामियां हैं और उसके लिए हजारों लोग पहुंचे हैं सिविल अस्पताल। इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और कुछ बदनज़मी का सामना भी किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे इन पर लाठीचार्ज भी किया है। आसिफ, आप हमें आगाह कर रहे थे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।